वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इसरो बीएसएससी का तरफ से एक मेल आया था। मेल में लिखा था एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस करने के लिए बोला था। तो एग्जाम सेंटर जो जो स्टूडेंट अभी तक प्रेफरेंस नहीं किया, क्योंकि इसका लास्ट डेट है 16 नवंबर, जो जो अभी तक एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस नहीं कर पाए, वो सभी स्टूडेंट मेरा चैनल में जाके एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ कि फेसिंग प्रॉब्लम वाला एक वीडियो है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसरो बीएसएससी का प्रिपेरेशन कराने के लिए हम एक फ्री लाइव टेस्ट प्रोवाइड किया था, जिसमें था टोटल 60 क्वेश्चंस, जो टोटली बेस्ड था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ इसरो पीटर टर्नर मशीनिस्ट। इसरो में पीटर टर्नर मशीनिस्ट जो जो क्वेश्चन था, उधर से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन को कलेक्ट किया था और एक टेस्ट पेपर बनाया था, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ऑलरेडी 160 के आसपास स्टूडेंट अटेम्प्ट किया है। तो सभी स्टूडेंट का नाम नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन टॉप 10 स्टूडेंट का मैं नाम बता दूंगा, ठीक है। और बाकी जो रिजल्ट का पीडीएफ होगा, क्या किसका कितना मार्क्स मिला है, वो भी मैं बता दूंगा। वो भी उसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और टॉप 10 जो स्टूडेंट है, वो सभी स्टूडेंट का मैं नाम बता दूंगा। 60 क्वेश्चन था, उनमें से 59 क्वेश्चन सही था। एक क्वेश्चन में इमेज था, वो क्वेश्चन नेटवर्क की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, तो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 59 क्वेश्चन था, तो 59 में से किसको कितना मार्क्स मिला है, वो भी मैं बता दूंगा। तो आज का वीडियो जो जो देख रहा है, और आज जो जो स्टूडेंट मेरा चैनल में नया है, वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल्स, लाइव टेस्ट, जॉब अपडेट सब कुछ देते रहता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूंगा रिजल्ट के बारे में, और जो इसका सॉल्यूशन पेपर है, पूरा 60 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, 60 क्वेश्चन का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, वो भी जो मैथ का है, मैथ का डिटेल सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। तो तब तक हम लोगों के साथ जुड़े रहना, पूरा वीडियो देखते रहना। तो मैं अभी दिखाऊंगा टॉप 10 स्टूडेंट का नाम। तो आप देख सकते हैं इसरो बीएसएससी फ्री फायर टेस्ट 1 का जो रिजल्ट है, मैं पब्लिश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंटेड बाय शुभजीत ठाकुरा टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। टोटल मार्क्स था 60 और टाइम था 90 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट। टॉप 10 स्टूडेंट, तो आउट ऑफ 60 एक स्टूडेंट को 60 मिला है, उसका नाम स्टाइलो अभी। तो 60 में से 60 लाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो ड्राइंग था सबका पास अपलोड नहीं हुआ था, तो शायद उसका पास फोटो अपलोड हुआ था, इसीलिए उसको फोटो भी दिखाया। तो स्टाइलो ओवी को 60 में से 60 मार्क्स मिला है। 60 नंबर में से 59 नंबर मिला सुदाम गिरी को, पीयू लॉरेंस ए एंड देवेंद्र को। 58 नंबर्स मिला है विशाखापट्टनम और सेकेंड स्टूडेंट उज्जवल दास यूडी, ठीक है। और 57 मार्क्स मिला मुना को, और 56 मिला है प्रोभास और केसी सैनी को, ठीक है। तो ये था टोटल टॉप 10 या 12 स्टूडेंट का नाम। तो आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट, ये टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो स्टूडेंट ये टेस्ट दिए थे, अगर किसी का मार्क्स 50 में से कम आया, वो सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो जो स्टूडेंट का मार्क्स 50 से ज़्यादा आया है, वो सभी स्टूडेंट जैसे प्रिपेरेशन कर रहे हैं, वैसे प्रिपेरेशन करते रहना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो के लिए, और इसरो का और भी टेस्ट पाने के लिए, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो पाने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग टेस्ट, स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूँगा इसरो बीएसएससी फ्री फायर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। तो पहले मैं बोर्ड पे डिस्कस करूँगा जो जो साइंस और मैथ से क्वेश्चन है, उसका पहले हल करेंगे, उसका बाद जो थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बोर्ड पे जाते चलो, और अभी मैं जो मैथ है और साइंस है, वो मैं बोर्ड में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि बोर्ड में डिस्कस करने से आप लोगों को अच्छा से समझ में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का जो आईटीआई लेवल का मैथ होता है ना, इसरो का, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। कोई भी एक एंगल है, सोच लो ऐसे एक एंगल है जिसका वैल्यू है 6 डिग्री। तो ये बोल रहे 6 डिग्री में कितना सेकेंड होता है।
तुम्हें पहले ही बता दिया, इससे पहले जो जो मैं क्लास लिया तो उसमें भी मैं बता दिया कि वन डिग्री जो होता है, वन डिग्री इज इक्वल होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट मतलब क्या है, एक मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 मिनट मतलब 60 × 60, तो ये टोटल सेकेंड हो गया, ठीक है, टोटल सेकेंड हो गया। और 60 डिग्री बोला है, 6 डिग्री बोला है, ठीक है। तो 6 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू, जब 3600 हो जाएगा तो 6 डिग्री इज इक्वल टू 6 से गुना हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा 21600, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना दिन बोर्ड नहीं था इसलिए अच्छा से मैं समझा नहीं पा रहा था, तो आज से बोर्ड आ गया, जितना ज्यादा हो सके मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैथ साइंस का भी क्लास ले लूंगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर इज, तो पहले जानना है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर क्या है। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर होता है एक एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या एंगल मेजरमेंट, प्रिसीजन एंगल मेजरमेंट, मतलब सूक्ष्ममापी एंगल मेजर करता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो बिवेल गेज होता है वो एंगल को मेजर करता है, कितना डिग्री एक्यूरेसी में, 1 डिग्री एक्यूरेसी में। तो 1 डिग्री एक्यूरेसी मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो 1 डिग्री एक्यूरेसी भी मतलब 1 डिग्री से भी कम एक्यूरेसी में हम लोग को जॉब मेजर करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। तो उससे कम अगर उससे कम कोई भी एंगल है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर यूज करेंगे, जिसका लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट। ये देख सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट 60 मिनट और इसका लीस्ट काउंट 5 मिनट, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रिसीजन है, बहुत ज्यादा सूक्ष्ममापी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो अभी दिखाऊंगा कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालना पड़ता है, क्योंकि लिस्ट काउंट निकालना कैसे होता है वो भी हम लोग को जानना चाहिए। तो ऐसे अगर एक वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर होता है, ये ऊपर में जो रहता है वो रहता है मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और वर्नियर स्केल डिवीजन को बोलते हैं VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इधर अगर हम लोग देखेंगे, एक एक जो मेन स्केल डिवीजन होता है उसका वैल्यू होता है 1 डिग्री, मतलब एक MSD इक्वल टू 1 डिग्री होता है। और VSD नीचे जो रहता है, नीचे रहता है एक VSD, तो इसका बाद इधर रहता है, इसका बाद इधर, इसका मतलब दो दो घर को क्रॉस करता है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर होता है उसका रेंज होता है 23 डिग्री/12। तो 23 डिग्री मतलब क्या है, 23 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 23 मेन स्केल डिवीजन के साथ 12 वर्नियर स्केल डिवीजन इधर मैच करता है। सोच लो इधर अगर 23 हो रहा है तो इधर जो टोटल वैल्यू होगा 1 2 3 4 VSD का जो वैल्यू होगा टोटल 12 होगा, मतलब 23 MSD = 12 VSD, ठीक है, मतलब 23 MSD के साथ 12 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं एक MSD, एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू होता है 1 डिग्री, तो 23 MSD मतलब होता है 23 डिग्री, ठीक है। तो 23 डिग्री इज इक्वल टू 12 VSD, तो 1 VSD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 VSD इज इक्वल टू हो जाएगा 23/12 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD - 1 VSD, ठीक है। तो 1 MSD का वैल्यू क्या है, 1 MSD मतलब 1 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि वर्नियर जो बिवेल प्रोटेक्टर होता है तो उसका जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल, एक एक मेन स्केल का वैल्यू क्या होता है। तो ये जानने के लिए मैं पूरा वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर को ही समझा रहा हूं, ठीक है। तो एक मेन स्केल का वैल्यू होता है 1 डिग्री और एक वर्नियर स्केल का वैल्यू आ गया है 23/12 डिग्री, तो 23/12 डिग्री। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 - 23 मतलब ये क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात याद रहना चाहिए, लिस्ट काउंट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, लिस्ट काउंट ऑलवेज पॉजिटिव में आता है। तो ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, नेगेटिव ऐसे आ रहा है कि 12/ ऐसे आ रहा है, तो 11/12 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो दो दो मेन स्केल को क्रॉस किया है, ठीक है। मतलब क्या है, ये दो मेन स्केल को ये क्रॉस कर रहा है, एक एक VSD,
तो इसीलिए दो को क्रॉस कर रहा है, ये डबल स्केल है, इसीलिए हम लोग टू टू एमएसडी लिख देंगे। तो टू एमएसडी मतलब टू डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग लिस्ट काउंट निकालने के लिए जाएंगे, देखेंगे अगर ऐसे माइनस में आ रहा है, तब हम लोग को ये बात याद रहना चाहिए कि वो जो स्केल है वो डबल स्केल में है, इसीलिए ये माइनस में आ रहा था। जब भी सोच लो इधर अगर माइनस में आ रहा है ना, माइनस 11 बटा 12, तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि एमएसडी को बड़ा करने के लिए दो लेना ही पड़ेगा। और भी बहुत बहुत सारा जो वर्नियर कैलिपर होता है ना, 39/40 स्केल, 19/20 स्केल, ये जो होता है उसमें भी डबल स्केल सिंगल स्केल होता है, तो डबल स्केल में हम लोग को 2 MSD लेना पड़ता है। तो 2 MSD मतलब होता है डबल स्केल, तो ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। तो 2 डिग्री माइनस अगर हम लोग करेंगे 23/12 डिग्री, ठीक है। तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 24 माइनस 23 डिग्री, तो 1/12 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं कि 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट, तो 1/12 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 60/12, ठीक है। तो जब काटेंगे तो आ जाएगा 5 मिनट। तो लिस्ट काउंट निकल के आया कि नहीं आया ना, तो इसीलिए इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 5 मिनट। तो बहुत ही ज्यादा प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है, तो लिस्ट काउंट पूछा था इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट, ठीक है। तो टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है, बोर्ड आ गया, एक एक क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, व्हाट इज द ब्लैंक साइज डायमीटर, साइज को डायमीटर भी बोल सकते हैं, ब्लैंक डायमीटर फॉर प्रिपेयरिंग ए बोल्ट ऑफ M12 × 1.5। तो ये जो बोल्ट है, बोल्ट प्रिपेरेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता, बोल्ट प्रिपेरेशन करने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल थ्रेड करना पड़ता। तो एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं हम लोग कैसे, डाई के मदद से, डाई, ठीक है, डाई का मदद से हम लोग काटते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डायनट हम लोग कहां यूज करते हैं, डायनट, डायनट हम लोग यूज करते हैं कोई भी जो पुराना थ्रेड है ना जो खराब हो गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए मतलब सुधारने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायनट, ठीक है। वो एक नट जैसा सेव होता है, तो डायनट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डायनट क्या है, एक नट जैसा होता है, तो ये रेक्टिफाइंग द डैमेज थ्रेड, डैमेज थ्रेड को सुधारने के लिए मतलब ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायनट, ठीक है। तो डाई हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, टैप यूज करते हैं इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। तो इधर क्या बोला है, तो आप देख सकते हैं इधर बोला M12, ठीक है। तो M मतलब क्या है, मेट्रिक, ठीक है, और 12 मतलब क्या है, 12 मतलब मेजर डायमीटर, ठीक है, मेजर डायमीटर। तो M मतलब मेट्रिक और 12 मतलब मेजर डायमीटर, और 1.5 क्या है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि 1.5 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1.5 मतलब है ये पीच है, ठीक है, जो हम लोग थ्रेड काटेंगे उसका तो एक पीच होना चाहिए ना, तो ये पीच क्या होगा, 1.5 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेट्रिक है, ये मेजर डाय है, ये पीच है। तो हम लोग ब्लैंक साइज कैसे निकालेंगे, कोई भी बोल्ट का ऊपर अगर थ्रेड करना है तो ब्लैंक साइज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ब्लैंक साइज इज इक्वल टू D-P/10, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, D-0.1 × P, ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे D मतलब क्या है, D मतलब इधर बोला है 12, ठीक है, तो P मतलब क्या है 1.5, तो इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 - 0.15, तो आ जाएगा 11.85, ठीक है। तो आंसर आ रहा है कि नहीं, तो इसका ब्लैंक साइज निकलने का यही फॉर्मूला होता है, D-P/10। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं सेम, उसको सिर्फ 0.1 लिख दिया, तो ये भी अगर हम लोग आप लोग करोगे तो इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, 1 µm = 10 cm, तो 1 µm हर जगह में देता है, कितना मिलीमीटर देता है, तो इधर सेंटीमीटर में पूछा है। तो ये क्वेश्चन इसरो के लिए मतलब कॉमन है, अगर ए बार भी एग्जाम होगा तो एग्जाम में ए वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, मिलीमीटर में भी पूछ सकता है। तो 1 µm, तो अगर ऐसा अगर हम लोग बात करें मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, तो ये माइक्रो और माइक्रोन सेम है, ठीक है। तो अगर हम लोग दिखाएंगे कि एक घर का वैल्यू होता है 10, ठीक है, 10 अगर इधर से इधर जाएगा तो 10 मल्टीपल होता है, और अगर रिवर्स में आएगा
तो क्या होता है, डेसीमीटर से मीटर से आता है तो क्या होता है, टेन से डिवाइड होता है। तो इधर क्या बोला है, इधर दस दस करके होता है, ठीक है। और जो मिलीमीटर से माइक्रोन होता है उधर होता है टेन टू दिवाइड थ्री, मतलब होता है थाउजेंड, ठीक है। ये अगर इधर से इधर जाएगा मतलब एक मिलीमीटर इक्वल टू कितना माइक्रोन, थाउजेंड माइक्रोन, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो माइक्रोन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसे ही बोला है कि जब एक माइक्रोन बोला है तो मिलीमीटर में क्या होगा, मिलीमीटर में होगा वन बटा टेन टू दिवार थ्री, ठीक है। तो और भी क्या बोला कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर मतलब वन बटा टेन, तो क्या हो जाएगा वन बटा टेन टू दिवार फोर। तो वन बटा टेन टू दिवार फोर मतलब एक दो तीन चार, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग को ए एक एक घर को याद रहना चाहिए, दस दस दस। और ए क्या होगा, मिलीमीटर से जब माइक्रोन होगा टेन टू दिवार थ्री, तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे टेन टू दिवार थ्री बढ़ते रहेगा, इधर से जब इधर जाएगा और रिवर्स में जब भी आएगा तब टेन टू दिवार थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो इधर माइक्रोन से बोला है मिलीमीटर, माइक्रोन से बोला है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मतलब क्या होता है वन बटा टेन टू दिवार फोर, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता ये माइक्रोन मिलीमीटर क्या है उसको भी पता चले, इसलिए मैं इतना डिटेल से बात कर रहा हूं। जिसको जरूरी नहीं है वो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ 60 डिग्री 45 मिनट, तो 60 डिग्री 45 मिनट होता है वो कितना डिग्री होता है, ये 45 मिनट को डिग्री में बदलना है। पहले भी मैं दिखा दिया कि एक डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो इसको कैसे बदल लेंगे, तो हम लोग जानते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा 60, तो 45 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनटू 45, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 5 12 जर 5 9 जर 3 3 जर 3 4 जर, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.75, और 0.7 मतलब ए आ गया 0.75 और क्या था 60, तो 60 प्लस 0.75 तो क्या हो जाएगा 60.75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसको बदलना है क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है। क्वेश्चन का जो आंसर हो, क्वेश्चन का जो आंसर है तो इधर बोला है सिर्फ डिग्री में बदलने के लिए, तो डिग्री में 60 तो ऑलरेडी है, सिर्फ 45 को क्या होगा 0.75 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बदल लेंगे कि 60 डिग्री ऐसे आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, कैलकुलेट द स्पिंडल आरपीएम फॉर ड्रिलिंग स्पीड ऑफ 44 मीटर पर मिनट एंड डायमीटर ऑफ ड्रिल इज 20 मिलीमीटर। अगर हम लोग देखेंगे जो आरपीएम क्या है, ड्रिलिंग स्पीड क्या है, ड्रिलिंग स्पीड जो कटिंग स्पीड या ड्रिलिंग स्पीड देख सकते हैं 44 मीटर पर मिनट, ठीक है। कैलकुलेट द आरपीएम, आरपीएम निकालने के लिए बोला है। आरपीएम को हम लोग कैसे लिखते हैं, एंड से डिनोट करते हैं। और डायमीटर, डायमीटर बोल दिया है 20 मिलीमीटर, ये ड्रिल का डायमीटर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कटिंग स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, सी एस इज इक्वल टू कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000, ठीक है। तो कटिंग स्पीड का इधर वैल्यू बोल दिया है 44 और पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7, तो 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और डी का वैल्यू इधर बोल दिया 20, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू आप लोग को निकालना है, तो ये आप लोग से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे दो से दो कट जाएगा, 22 से दो गुना करके तो 44, और अगर हम लोग देखेंगे 0 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए आ जाएगा एन इज इक्वल टू 700, ठीक है। तो आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का बोला है, इन ए वर्नियर कैलिपर 39 एमएसडी मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू 40 इक्वल पॉइंट्स ऑन द वर्नियर स्केल, मतलब वीएसडी, जो वर्नियर स्केल में क्या बोला है कि 40 इक्वल पॉइंट्स का साथ एमएसडी मैच कर रहा है, 39 एमएसडी मैच कर रहा है,
व्हाट इज इट लिस्ट काउंट, मतलब क्या बोला है, एक वर्नियर कैलिपर है, इसमें मेन स्केल डिवीजन 39 है, सोच लो इधर से इधर टोटल 39 है, 39 के साथ टोटल 40 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच किया, ठीक है। तो पहले कैसे हम जब तो पहले हम कैसे बोला था, जब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का बता रहा था कि 23 एमएचडी बोला था, तो 23 एमएचडी ऊपर में रहता है और 12 वीएचडी नीचे रहता है, वैसे 39 एमएचडी जो है ये ऊपर रहेगा और 40 वीएचडी नीचे रहेगा। तो ऐसे इस फॉर्मेट में हम लोग स्केल को लिखते हैं। तो ये कौन सा स्केल में है, 39/40 स्केल में, 39/40 स्केल, 19/20 स्केल होता है, 9/10 स्केल होता है, ठीक है। तो इधर हम लोग को देखना पड़ेगा कि 39/40 स्केल है, तो हम लोग को जान तो हम लोग को ये पता है 39 एमएसडी है किसका साथ मैच कर रहा है, 40 वीएसडी के साथ। तो हम लोग जानते हैं एक एमएसडी मतलब क्या है, एक एमएम, ठीक है। तो उधर जब था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर वो डिग्री में था, वो एंगुलर था इसीलिए, और इधर क्या है लीनियर है, इसीलिए हम लोग क्या है एमएम है, तो 39 एमएम है, ठीक है। तो एक एमएसडी इक्वल टू एक एमएम, 39 एमएसडी मतलब 39 एमएम इक्वल टू 40 वीएसडी, ठीक है। तो 1 वीएसडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 एमएम बाय 40, ठीक है। तो 1 वीएसडी का, तो 1 वीएसडी का वैल्यू आ गया 39/40 एमएम। तो ऐसे हम लोगों को क्या देखना है कि लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला, लिस्ट काउंट मतलब 1 वी, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। तो 1 एमएसडी का वैल्यू क्या है, 1 एमएम है, हम पहले बता दिया। 1 वीएसडी का वैल्यू क्या है, 39/40, तो 1 वीएसडी का वैल्यू 39/40 एमएम, ठीक है। तो इसको जब एलसीएम करेंगे तब क्या हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा, तो 40 माइनस 39 तो 1/40 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.025, ठीक है एमएम। तो इसका लिस्ट काउंट आ गया है, तो ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसका लिस्ट काउंट 0.025 एमएम है। अगर हम लोग बात करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग का क्वेश्चन आता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं 0.02 एमएम। तो ये वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है इसका स्केल क्या होता है, इसका स्केल होता है 49/50। तो आप लोग बताएं कि 49 क्या है और 50 क्या है, इधर से देख के बताएं कि 23 क्या था एमएसडी था, 39 क्या था एमएसडी, एमएसडी ऊपर में रहता है जब हम लोग स्केल को मेंशन करते हैं, तो 49 एमएसडी है और नीचे क्या है वीएसडी है, तो 49 मेन स्केल का साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच किया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 49/50 स्केल। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 49 एमएसडी इक्वल टू 50 वीएसडी, तो हम लोग जानते हैं कि 1 एमएसडी मतलब 1 एमएम, तो 49 एमएसडी मतलब 49 एमएम इक्वल टू 50 वीएसडी, ठीक है। तो 1 वीएसडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वीएसडी इक्वल टू हो जाएगा 49/50 एमएम, ठीक है। तो 1 वीएसडी का वैल्यू आ गया, हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, तो वीएसडी का तो वैल्यू आ गया 49/50, एमएसडी का वैल्यू है 1 एमएम, हम लोग जानते हैं एक एमएसडी मतलब 1 एमएम और एक वीएसडी मतलब 49/50 एमएम, तो इसका जब एलसीएम करेंगे 50 आ जाएगा, तो 50 माइनस 49/50 तो 1/50, तो इसका लिस्ट काउंट आ जाता है 0.02 एमएम। तो यही वो स्केल है जिसका लिस्ट काउंट है 0.02 एमएम है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकालता है कैसे वो भी मैं बता दिया, बहुत ही आसान है। तो कौन सा मेन स्केल डिवीजन है, कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन है, आप लोगों को जानना चाहिए। इधर 39 बोला है तो क्या है, एग्जाम में पूछ भी सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि जो टर्नर का है, फिटर का है, मैशिनिस्ट का, पूछ सकता है कि इधर 19 एमएसडी दे दिया और 20 वीएसडी, मतलब 19 मेन स्केल डिवीजन का साथ 20 वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन मैच किया है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, सेम है 19/20 स्केल है, तो इसको लिस्ट काउंट निकालना कैसे, ये सेम प्रोसेस है, आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ हॉलो थिन सिलेंडर हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो एक सिलिंड्रिकल बोला है, सिलिंड्रिकल
तो एक सिलेंडर ऐसे होगा, ठीक है। तो क्या बोला है इसका डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर बोला है 7 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं आउटर सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, ठीक है, 2πRh हो जाता है। अगर बोलता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता 2πRh प्लस एक एरिया, ठीक है, तो πR² प्लस πR², ठीक है। तो क्या हो जाता है 2πR², तो 2πRh प्लस 2πR² हो जाता, ठीक है। तो इसको कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं 2πR × R + H, ठीक है। तो ये हो जाता टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। और इधर क्या बोला है, सिर्फ आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, तो 2πRh हो जाएगा, 2 है और पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू 7/2 है और एच मतलब 10 है। तो ऐसे हम लोग कट सकते हैं, 2 × 2 कट जाएगा, 7/7 कट जाएगा और 2 × 2 = 0। तो इसका आउटर सरफेस एरिया आ जाएगा, एरिया जब भी बोला इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, कॉन्वर्ट 104 °F (°C). तो 104 °F को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो सबको आता है, C/5 = F − 32/9। C का वैल्यू निकालना है, इधर F का वैल्यू दे दिया 104 − 32/9, तो C/5 = हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 7, तो 9 × 8 = हो जाएगा और C = हो जाएगा 40। तो 40 सेल्सियस में इसका क्या वैल्यू होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 °C और 104 °F सेम है, ठीक है। तो निकालने का फॉर्मूला दे देते हैं, तो निकालना कैसे वो भी फॉर्मूला में बता दिया है, सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना है। कभी सेल्सियस का बोल देता है फारेनहाइट में बदलना पड़ता है, कभी फारेनहाइट में बोल देते हैं सेल्सियस में बदलना पड़ता है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है, या सेल्सियस या फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 4 mm साइड कैन बी कट फ्रॉम क्यूब ऑफ साइड 8 mm। बोल रहा है कि 8 mm साइड वाला कोई भी एक क्यूब है, सोच लो ऐसे एक क्यूब है 8 mm जिसका साइड है, ठीक है, एक साइड सोच लो 8 mm है, क्यूब का तो हर साइड का लेंथ समान होता है, तो 8 mm साइड वाला कोई भी क्यूब से 4 mm साइड वाला कितना क्यूब हम लोग कट सकते हैं, ठीक है। तो एक कट जब भी कटने का बात करेंगे कि कोई भी एक सोच लो स्पेयर है, उस स्पेयर से कितना छोटा वाला स्पेयर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी सोच लो एक स्पेयर का रेडियस बोल दिया 10 mm, ठीक है, तो 10 mm वाला कोई भी स्पेयर है उससे हम लोग 10 mm स्पेयर से हम लोग 2 mm स्पेयर कितना निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसे बोलेगा कितना निकाल सकते हैं उधर से कितना, तो ऐसे जब भी बोलेगा तब हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का होता है ए क्यूब, ठीक है। तो जो पहला जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वैल्यू क्या है, उसका साइड है 8, तो ए क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 8 क्यूब मतलब हो जाएगा 8 × 8 × 8, ठीक है। और जो स्मॉल क्यूब है जो कटना पड़ेगा हम लोगों को, उसका वैल्यू क्या है, ए क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, ठीक है। तो इससे हम लोग को कितना निकाल सकते हैं, तो ऐसे अगर हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2, ठीक है, तो आ जाएगा 8 क्यूब हम लोग छोटा वाला क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं। 8 mm वाला जो बड़ा क्यूब है उससे हम लोग 4 mm वाला 8 क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 quantities a and b दो क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, 25 x² − 4, ठीक है। इधर बोल दे a का वैल्यू 5x − 2, a का वैल्यू 5x − 2, तो b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग जानते हैं ये जो फॉर्मेट में है a² − b² फॉर्मेट में है, a² − b² का क्या होता है, a + b × a - b, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं,
तो ए को हम लोग कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 5x² - 2² ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 5x + 2 और हो जाएगा 5x - 2 ठीक है। तो ए निकाल के आ गया है, तो बी तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख सकता है 5x - 2 × b = 5x + 2 × 5x - 2 तो इससे ए कट जाएगा ठीक है। अगर आप लोग इसको नीचे लाना चाहते हैं तो तब भी ये नीचे आके कट जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 5x + 2 ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को निकालना पड़ेगा, सिर्फ इधर समझना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्मेट में है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आर्क लेंथ कैसे निकालना है, पी सर्कल डायमीटर जो बोल देते हैं, बोले फॉर मेकिंग 6 इक्वल स्पेस्ड होल आर शोन इन फिगर द लेंथ ऑफ द आर्क फॉर मेकिंग दिस होल्स ऑफ 60 mm पिच सर्कल डायमीटर विल बी, मतलब क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच लो एक सर्कल है जिसका पिच सर्कल डायमीटर क्या बोला है, पिच सर्कल डायमीटर बोला है 100 mm ठीक है। तो ये बोला 100 mm, जिसका पिच सर्कल डायमीटर 60 बोला है, सॉरी ज्यादातर जगह में 100 देता है इसलिए मैं 100 ही बोल दिया, तो 60 हो जाएगा। और इसमें टोटल कितना देख लेते हैं, इसमें टोटल कितना होल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल है, 6 होल्स है ठीक है। तो क्या बोला, आर्क लेंथ निकालने के लिए बोला, इधर से इधर इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका सेंटर से इसका सेंटर, इसका सेंटर से इसका सेंटर का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका सेंटर से इसका सेंटर का लेंथ कितना होगा, जो भी होगा इक्वल लेंथ होगा, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। तो ए हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक्स हम बता देते हैं, ज्यादातर जगह में देते हैं 6 होल्स, जब भी 6 होल्स बोलता है, 6 इक्वली होल बोलता है और पिच सर्कल ऐसे बोल देता है, 6 होल जब भी रहता है तब आर्क लेंथ जो होगा इसका आधा हो जाएगा, पिच सर्कल डायमीटर का 60 होगा तो इसका जो आर्क लेंथ होगा वो हो जाएगा 30, आधा हो जाएगा। क्यों होता है वो मैं डिटेल्स में बता रहा हूं ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला होता है बी, बी मतलब होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी, डी मतलब क्या है, पिच सर्कल डायमीटर इन टू साइन ब्रैकेट में 360 / 2n ठीक है। तो ये है मेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से अगर आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आर्क लेंथ कोई भी आर्क लेंथ निकाल के आ जाएगा, बी मतलब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ही निकालना है। तो डी का वैल्यू पिच सर्कल डायमीटर का वैल्यू 60 है ठीक है, साइन बोला है साइन, तो इधर क्या बोला है 360, और एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ होल्स, कितना होल्स है, चार भी रहता है कोई भी, कभी कभी क्वेश्चन में 4 होल्स रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में 6 होल रहता है, जो भी होता है नंबर ऑफ होल कितना है, 6 है। तो 6 का साथ अगर 2 गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 360 / 12 क्या हो जाएगा, 30, तो 60 × sin 30 आ जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन cos 10, ये आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये तो हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। साइन 30 का वैल्यू होता है 60 × ½, तो ए आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू आता है हाफ ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू हाफ है, इसीलिए जो आर्क लेंथ हो जाएगा वो भी इसका हाफ हो जाता है ठीक है। तो ए हम पहले ही बता दिया, जब भी 6 होल बोलेगा तब एक ट्रिक्स है कि आर्क लेंथ निकालने के लिए हम लोग सिर्फ उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हम लोग इधर बोला है 4 होल्स, तो 4 होल्स क्या हो जाएगा, इधर हम लोग को 4 से गुणा करना पड़ेगा ठीक है, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 8 ठीक है। तो 8 से जो भी वैल्यू आ जाएगा वो निकालना पड़ेगा, तब थोड़ा क्रिटिकल हो जाता, कुछ भी नहीं है। तो ये था टोटल, तो ये था टोटल क्वेश्चन जो मैं बोर्ड में डिस्कस किया, जितना ज्यादा हो सके मैं डिस्कस कर दिया, इतना दिन बोर्ड नहीं था इसीलिए 100% जो मेरा परफॉर्मेंस है दे नहीं पा रहा था। तो आज से जितना ज्यादा हो सके मैं डिटेल्स में बात करूंगा, डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगा, तो थ्योरी भी देख लेते, थ्योरी बाकी जो जो थ्योरी बचा वो भी थ्योरी देख लेते ठीक है। और क्लास अगर अच्छा लगे, मेरे को समझाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
तो आप देख सकते हैं इसरो VSSC फ्री फायर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन पेपर आप लोगों का सामने है। तो फास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी से मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसरो में बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है लेकिन काट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है वो क्वेश्चन में गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीलिंग प्रोसेस, एनीलिंग जो प्रोसेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेन पर्पस क्या होता है। अगर कोई भी एक मेटल का मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी और सॉफ्टनेस बढ़ाना है तो हम लोग एनीलिंग करते हैं। तो एनीलिंग होता है हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट टोटल 4 टाइप्स का होता है, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। तो एनीलिंग क्या होता है, एनीलिंग मतलब एनीलिंग करके कोई भी मेटल का सॉफ्टनेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, और मैसिनेबिलिटी मतलब मशीन द्वारा कट सकते हैं वो जो प्रॉपर्टी उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एनीलिंग के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है हम लोग इसको ठंडा कैसे करते हैं, तो कूल कैसे करते हैं, हम लोग ड्राई सैंड या ड्राई लाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए ड्राई लाइम। तो ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। और नॉर्मलाइजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई एयर या रूम टेम्परेचर में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, इसमें से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है। एंटी फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है, बियरिंग जहाँ पे यूज़ होता है हम लोग फ्रिक्शन कम करने के लिए बियरिंग यूज़ करते हैं, और एंटी फ्रिक्शन मतलब बहुत कम फ्रिक्शन होता है। तो बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, लेकिन सॉलिड बियरिंग नहीं होता, ठीक है। सॉलिड बियरिंग होता है फ्रिक्शन बियरिंग। तो अगर हम लोग बात करेंगे बॉल बियरिंग, तो बॉल बियरिंग जो होता है उसका रोलिंग एलिमेंट जो होता है वो होता है बॉल, ठीक है, बॉल जैसा रहता है। उसका आउटर एज रहता है, आउटर रेस रहता है, उसका इनर रेस भी रहता है, इसका बीच में रहता है रोलिंग एलिमेंट्स, बॉल जैसा रहता है, ठीक है। और बॉल को अलग अलग मतलब सेपरेटली रखने के लिए और एक कांस्टेंट डिस्टेंस में रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिटेनर यूज़ करते हैं, ठीक है, रिटेनर या केज यूज़ करते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है बॉल बियरिंग में किस टाइप का कॉन्टैक्ट होता है, बॉल बियरिंग में होता है पॉइंट टाइप कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में टच करता है। और जो रोलर बियरिंग होता है, रोलर बियरिंग में होता है लाइन टाइप कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि इधर से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, व्हिच अमंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थ्रेड हैज लीड एंड पिच एज इक्वल, कौन सा टाइप का थ्रेड का लीड एंड पिच इक्वल होता है। तो हम लोग जानते हैं सिंगल स्टार्ट जो थ्रेड होता है ना, सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड इक्वल टू पिच होता है, लीड इक्वल टू पिच। और जो डबल स्टार्ट थ्रेड होता है वो लीड इक्वल टू होता है 2 इंटू पिच। जो ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होता है उसके लिए क्या होता है, लीड इक्वल टू 3 इंटू पिच। तो जैसे ट्रिपल बोलेगा कि फोर्थ बोलेगा तो मतलब पिच का साथ एक गुना होते होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट मेटल, हेवीएस्ट मेटल इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा हेवीएस्ट है, गोल्ड सबसे हेवी है, ठीक है, और इसके लिए इसका अंदर सबसे जो लाइटेस्ट है मतलब हल्का धातु है एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7 है। और जो गोल्ड का है वो गोल्ड का शायद 19 का आसपास होता है, मतलब ये सभी मेटल से इसका ज़्यादा होता है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा लेकिन 19 का आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ विल, जब भी कोई भी कटिंग टूल का रेक एंगल कम होते जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ का क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो रेक एंगल घटेगा तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द लेद मशीन दैट प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ होल्डिंग एंड मूविंग द कटिंग टूल, लेद मशीन का कौन सा पार्ट है जो कोई भी कटिंग टूल को होल्ड करता है और मूव भी करता है। तो कौन सा पार्ट है, तो कैरेज भी करता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे कैरेज हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे टेल स्टॉक भी होता है, टेल स्टॉक में हम लोग ड्रिल को भी लगा सकते हैं, ड्रिल कटिंग टूल रिमार को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टेल स्टॉक में भी लगा सकते हैं, कैरेज में भी लगा सकते हैं। तो इसरो में एक क्वेश्चन आया था तो इसीलिए इसका राइट आंसर उन लोग माना था सी एंड डी, मतलब कैरेज एंड टेल स्टॉक दोनों को राइट आंसर माना था,
तो इसरो में कैसे हुआ था, अगर कोई स्टूडेंट सी को सिलेक्ट किया तब भी राइट हुआ था, और अगर डी को सिलेक्ट किया था तब भी राइट दिया था। तो इसीलिए क्वेश्चन में हम सी और डी को करेक्ट माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, न्यूमेट्रिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय, जो न्यूमेट्रिक ड्रिल होता है हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। तो न्यूमेट्रिक जब भी बोलता है तो कॉम्प्रेस्ड एयर का बारे में हम लोग को याद आता है, कॉम्प्रेस्ड एयर का वजह से हम लोग न्यूमेट्रिक का काम चलता है। तो न्यूमेट्रिक ड्रिल मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर से जो एनर्जी होता है उसका मदद से हम लोग न्यूमेट्रिक ड्रिल को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, तो ये जो मैथ साइंस से क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं बोर्ड में डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया, तो ये मैं और डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, और ये जो थ्योरी का क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ था मैथ और साइंस में, तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा जस्ट बता के ही चल जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में क्या पहले जो जो क्लास किया था उसमें भी बहुत बार डिस्कस कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का देख लेते हैं। इन ए होल एंड सब टॉलरेंस सिस्टम, लिमिट फिट जो टॉलरेंस सिस्टम होता है, स्मॉल लेटर इंडिकेट क्या करता है, स्मॉल लेटर जो होता है स्मॉल एच स्मॉल जी, तो स्मॉल लेटर में जब भी रहेगा वो शाफ्ट को इंडिकेट करता है, शाफ्ट को इंडिकेट करता है, और जब भी कैपिटल लेटर में रहेगा कैपिटल एच कैपिटल जी कैपिटल ए जो भी होगा वो होगा होल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, द डायमीटर ऑफ द थ्रेड एट विच द थ्रेड थिकनेस इक्वल टू द हाफ ऑफ द पिच, डायमीटर ऑफ द थ्रेड जो होता है, थ्रेड का जो डायमीटर होता है उसका जो थिकनेस होता है, थ्रेड का जो थिकनेस होता है उसका पिच का हाफ होता है, ठीक है। थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पिच, पिच का पिच जो होता है पिच का हाफ होता है वो डायमीटर, उसको बोलते हैं पिच डायमीटर, ठीक है, उसको बोलते हैं पिच डायमीटर, ठीक है। जो एक डायमीटर होता है जिसका थिकनेस होता है जो पिच होता है उसका आधा, ठीक है, तो वो होता है पिच सर्कल डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, इन ए स्क्रू थ्रेड द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड, जो स्क्रू थ्रेड होता है ऐसे ऐसे होता है ना, तो ऐसे ऐसे अगर होगा तो टॉप सरफेस जो होता है ना ये दो ज्वाइन करके जो टॉप सरफेस होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं रूट, ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्लैंक। तो ये आप लोग याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, व्हिच वॉइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग रिबेट्स एंड कीज, कौन सा एक वॉइस है जो रिबेट और की को होल्ड करने में मदद करता है, होल्ड करता है, तो हैंड वॉइस एक ऐसा वॉइस है जो जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको होल्ड करने में सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल पॉइंट टूल व्हिच परफॉर्म्स द कॉम्बाइन ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग इज कॉल्ड, काउंटर सिंकिंग मतलब क्या होता है, कोई भी एक होल रहता है उसका फ्रंट पोर्शन को चैम्फर बनाना होता है, तो चैम्फर बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग, ठीक है। तो हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं काउंटर सिंकिंग के लिए, हम लोग यूज करते हैं काउंटर सिंक टूल। तो एक टूल होता है सिंगल पॉइंट टूल जो ड्रिलिंग भी करता है काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन भी करता है, तो उसका नाम क्या है, सेंटर ड्रिल, ठीक है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए सेंटर ड्रिल बनता किस मेटल से, हाई स्पीड स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ ए फाइल, इसमें फाइल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो फाइल का पार्ट नहीं है आप देख सकते हैं बैरल फाइल का पार्ट नहीं है, ठीक है, बैरल फाइल का पार्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग लेदर, लेदर को फाइलिंग करने के लिए या वुड को फाइलिंग करने के लिए, चमड़ा या लकड़ी को फाइलिंग करने के लिए हम लोग कौन सा फाइल यूज करते हैं, रफ्स कट फाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइल चैप्टर से, और रफ्स कट फाइल से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इसरो में हर बार पूछता है, कभी कभी पूछता है कि इसका शेप कैसा होता है, हाफ राउंड होता है, और इसका जो टीथ होता है टीथ का शेप क्या कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, तो यही 3-4 क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल इज हाई, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जिसको हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं वो अगर उसका स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो ड्रिल स्पीड क्या होना चाहिए, ड्रिल स्पीड बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ड्रिल टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, द इंजीनियर हैमर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स, जो इंजीनियर हैमर होता है वो हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, हम लोग स्पेसिफाई करते हैं वेट के हिसाब से, ठीक है, कि इसका वेट कैसा होता है। तो जैसे मार्किंग पर्पज़ के लिए हम लोग 250 ग्राम का वेट वाला हैमर यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर वो भी बता दिया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ प्रिक पंच व्हिच इज यूज्ड फॉर मार्किंग लाइट पंच मार्क्स। लाइट पंच मार्क्स के लिए हम लोग कौन सा प्रिक पंच यूज करते हैं, 30 डिग्री प्रिक पंच यूज करते हैं। जो 60 डिग्री प्रिक पंच होता है उसको डॉट पंच भी बोलते हैं, वो विटनेस मार्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया मैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, व्हाट इज द कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन। मशीनिंग कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का मशीनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा कूलेंट यूज करते हैं, कोई भी कूलेंट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ड्राई एयर यूज करते हैं, कभी कभी ऑप्शन में ड्राई एयर देते हैं। ठीक है, ड्राई एयर तो आप लोग को याद रहना चाहिए, ये भी हमें बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमें बोर्ड में बताना चाहिए था, फिर भी मैं इधर ही बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ड्रिल बिट का एक स्पेसिफिकेशन है, तो इधर बोल रहा है 9.5 क्या इंडिकेट कर रहा है, 9.5 ड्रिल डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एच क्या इंडिकेट कर रहा है, टूल टाइप क्या ये एच या एन या एस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हार्ड या नॉर्मल या सॉफ्ट मटेरियल के लिए, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और ये IS नंबर है और ये टाइप ऑफ मटेरियल हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो ये आप लोग को 4 पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, ऐसे हम लोग ड्रिल बिट को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, LPG गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप लोग को याद रहना चाहिए। ऑक्सी LPG हम लोग वेल्डिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। जो ऑक्सी LPG वेल्डिंग होता है उसका फ्लेम टेम्परेचर होता है 2700 से 2800 डिग्री। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग रॉड यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम प्लेट्स। एल्यूमिनियम प्लेट का वेल्डिंग करने के लिए हम लोग को कौन सा वेल्डिंग रॉड चाहिए, प्योर एल्यूमिनियम का वेल्डिंग रॉड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और 31 नंबर का, व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूल ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का यंग्स मॉड्यूल क्या है, तो यंग मॉड्यूल क्या है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। जब तक वो फेलियर नहीं हो रहा तब तक उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको ही बोलता है यंग्स मॉड्यूल। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया। ठीक है, तो फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये जो स्ट्रेस है वो ऊपर में आ जाएगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए यंग्स मॉड्यूल का जो यूनिट होगा वो स्ट्रेस का यूनिट रह जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 210 × 10^9। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो जो कोन होता है, ये कोन होता है तो बेस से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इसका वैल्यू क्या होता है, h/4 होता है। ठीक है, ये कौन सा कोण के लिए, राइट सर्कुलर कोण के लिए होता है। कभी कभी बोल देता है कि हॉलो कोण के लिए, हॉलो कोण के लिए क्या हो जाएगा, h/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड कोण जब भी बोलेगा या राइट सर्कुलर कोण बोलेगा तब हो जाएगा h/4, और जब भी बोलेगा हॉलो सर्कुलर कोण तब भी हो जाएगा h/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाई एयर ऑन मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। जब भी कोई बॉडी मूव होता है तो उसका ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है ड्रैग। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टूल व्हिच इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड बाय लीवरेज इफेक्ट। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर फॉर्क लिफ्ट को करते हैं, लेकिन फॉर्क लिफ्ट का आंसर तब भी होता है जब इसका क्वेश्चन में लीवरेज इफेक्ट नहीं दिया रहता। अगर ऐसे इतना तक दिया रहता कि लिफ्ट और मूव हैवी लोड्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर्क लिफ्ट यूज़ करते हैं। जब भी बोलते हैं लीवरेज इफेक्ट, लीवर का द्वारा हम लोग कैसे, लीवर का मदद से हम लोग जब भी कोई भी लिफ्ट करता है और मूव करता है तो क्या हो जाएगा आंसर, क्रोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मशीन मेंटेनेंस मैनुअल रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेटिंग द मशीन स्क्वायर सिंबल। मतलब जो मेंटेनेंस होता है ना उसका एक सिंबल होता है, जैसे जो सर्कल होता है वो डेली के लिए, ट्रायंगल होता है वीकली के लिए, स्क्वायर होता है मंथली के लिए, और जो हेक्सागन होता है ना वो होता है आदर्श के लिए, क्वार्टरली या 2 मंथ्स का बाद जो भी है वो आदर्श के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीड एंड पिच ऑफ 2 स्टार थ्रेड। हम पहले ही बता दिया जो भी लीड होता है और पिच होता है कोई भी सिंगल स्टार थ्रेड के लिए इक्वल होता है, और डबल स्टार थ्रेड के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल स्टार थ्रेड के लिए क्या हो जाएगा, 3 × p हो जाएगा, पिच हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, टू स्टार बोला है क्या सिंगल स्टार, जब भी बोलेगा कौन सा स्टार्ट में, कौन स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच इक्वल होता है, तब हो जाता है सिंगल स्टार थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच मैशनिंग प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव, कौन सा एक मैशनिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव होता है, तो यह हो जाता है मिलिंग ऑपरेशन में। ठीक है, तो मिलिंग ऑपरेशन होता है एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें जिसमें बहुत ज़्यादा मेटल रिमूव होता है। लैपिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग ऑपरेशन, हुनिंग, बपिंग, एक फिनिशन, एक प्रिसीशन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन का जो पिक्चर मैं दिया था वो अपलोड नहीं हुआ, मैं भी भूल गया कौन सा पिक्चर मैं दिया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर दूंगा। 41 नंबर का क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ नॉट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो नॉट का डायमेंशन होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर होता है उसके ऊपर हम लोग नॉट का डायमेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रहना चाहिए, बहुत बार मैं डिस्कस कर दिया। 42 नंबर का क्वेश्चन, एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड का एंगल क्या होता है, 29 डिग्री होता है। ठीक है, और वार्म थ्रेड का भी एंगल होता है 29 डिग्री। ट्रेपीजोइडल थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री, नाकेल थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री। तो ये चारों इंपॉर्टेंट एंगल आप लोग को याद रहना चाहिए। 43 नंबर का क्वेश्चन, ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड, जो ट्विस्ट ड्रिल होता है जो हाई स्पीड मेटल से बनता है उसका एंटायर बॉडी में जो ग्रुप काटा रहता है, ऐसे ऐसे ग्रुप काटा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूट। फ्लूट क्या करता है, जो चिप्स होता है चिप्स को बाहर निकालता है। ठीक है, इजीली चिप को बाहर निकालते हैं, और जो कूलेंट देते हैं हम लोग वो उसका टिप पॉइंट तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, व्हाट इज द टोटल इंटरनल एंगल फॉर्मड इन पेंटागन, जो पेंटागन होता है उसका टोटल इंटरनल एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो होता है n-2 × 180। ठीक है, तो n मतलब नंबर ऑफ साइड है, तो नंबर ऑफ साइड क्या है, पेंटागन मतलब 5 है, तो 5-2 × 180, तो क्या हो जाएगा 3 × 180, 540। ठीक है, 540 इसका टोटल जो इंटरनल एंगल होगा उसका साम है, जोगफल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन ऑकर्स इन द इन एन अनलुब्रिकेटेड बियरिंग, अनलुब्रिकेटेड जो बियरिंग होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी लुब्रिकेशन नहीं देते, उधर कौन सा फ्रिक्शन होता है, उधर ड्राई फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो ड्राई रहता है इसलिए ड्राई फ्रिक्शन ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, 1 HP मेट्रिक जो होता है, 1 हॉर्स पावर जो होता है मेट्रिक में, वो होता है 735.5 वॉट। ठीक है, और जो ब्रिटिश में होता है वो होता है 746। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती किया है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ, आप लोग सुधार लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स इज मेजर्ड बाय, जो कोई भी मेटिंग पार्ट्स रहता है दोनों मेटिंग पार्ट्स का बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फिलर गेज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक स्प्रीड लेवल इज यूज फॉर चेकिंग द, जो ब्लॉक स्प्रीड लेवल होता है एक ब्लॉक जैसा देखने में होता है वो क्या काम करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लेवल है उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्प्रीड लेवल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं कि टोटली अगर हम लोग कोई भी एक सोच लो कुछ भी अगर हम लोग दयाल में लगा रहे हैं तो टोटली फ्लैट है कि ना, तो हॉरिजॉन्टल है कि ना, चेक करने के लिए हम लोग स्प्रीड लेवल यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक स्प्रीड लेवल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी यूज़ होता है और वर्टिकल सरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, जो पायरोमीटर होता है वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होता है जैसे भट्टी में टेम्परेचर होता है तो उधर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पायरोमीटर यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क, बिकॉज एल्यूमिनियम जो प्योर फॉर्म में रहता है उसको हम लोग इंजीनियरिंग पर्पज़ में यूज़ नहीं करते, तो क्यों यूज़ नहीं करते, इट लैक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसका जो स्ट्रेंथ रहता है वो स्ट्रेंथ को वो फेल करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ कम होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, गैल्वनाइज आयरन इज कोटेड विथ, जो गैल्वनाइज आयरन होता है हम लोग गैल्वनाइज आयरन में क्या कोटेड करते हैं, मतलब कोटिंग देते हैं, जिंक का कोटिंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज नेसेसरी, जो हीट ट्रीटमेंट हम लोग मेटल के लिए क्यों करते हैं, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है जैसे इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी है उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं बहुत ही फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा इसको और भी डिटेल्स में मैं बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
54 नंबर का हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज शुड बी, जो स्लिप गेज का हार्डनेस होता है वो क्या होता है, 63 HRC होता है, ठीक है। तो ये हार्डनेस रॉकवेल्स मेथड में होता है, इसीलिए RC है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, पीग आयरन इज, जो पीग आयरन जो होता है उसमें कितना परसेंटेज आयरन रहता है, उसमें वो होता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, जो आयरन का एक इम्प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए हैक्सो का क्या पीच होना चाहिए, हैक्सो का पीच होना चाहिए 1.8, ठीक है। जो हार्ड मेटल को काटेंगे तब हो जाएगा 0.8 mm चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फीट अचीव, ये फीट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द फीमेल पार्ट्स इज हीटेड टू असेंबल विद द मेल पार्ट, कोई भी एक असेंबली है, कोई भी एक फीट है जिसमें फीमेल पार्ट, सोच लो एक ऐसे फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को हम लोग हीट करते हैं, थोड़ा एक्सपेंस हो जाता, बड़ा हो जाता है, उसका बाद मेल पार्ट को फीट करते हैं, ये कौन सा फीट है, श्रिंकेज फीट है, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग आप लोग को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप थ्रेड, इसमें से पाइप थ्रेड कौन सा है, तो पाइप थ्रेड BSP, बी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जिसका वैल्यू होता है 55 degrees, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप ऑफ द सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज ज्वाइनिंग ऑन द सैंक बाय, जो सीमेंटेड कार्बाइड का टिप होता है सैंक का साथ हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, ब्रेजिंग करके ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल लेथ, इसमें से सेंट्रल लेथ का कौन सा पार्ट नहीं है, तो आर्बर इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल लेथ, तो सेंट्रल लेथ का जो पार्ट नहीं है आर्बर है, ठीक है। तो आर्बर मिलिंग मशीन का पार्ट है, जो आर्बर होता है उसका जो स्पिंडल होता है आर्बर का, उसमें कौन सा टेपर रहता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। तो आज का टोटल 60 क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के साथ आज का वीडियो बनाया हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा ऐसे, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करने के बाद भी ऐसे आके वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा तुम लोगों को भी एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।